होने के लिए वो 20 साल खड़ा हो जाते हैं जो आते हैं सबको निकल के आने के लिए भारत माता की जय झंडा लेके आते हैं, वही सेना गोली नहीं चलाती है, ये देश की थाक और हमारी साख, हमारे उस थाक और साख का तो फर्क यह आने वाले और भारत माता की जय करने वाले भारत के तो आए ही, पीछे पीछे बांग्लादेश वाले भी और पीछे से छिपके पाकिस्तान के बच्चे भी आ गए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि जब जान के लाले पड़ रहे हो तो जो रास्ता मिले उसको अपनाता आदमी, और अब हमारे देश के अंदर तो लोग सब जानते बल्कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं काश नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के नेता होते, काश नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होते, ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। लेकिन अभी भी अपने देश के अंदर ये कांग्रेस वाले, याद करो इस हरियाणा का भी बुरा हाल अगर किसी ने किया है, यहाँ इस हरियाणा में किस बात की कमी थी, हरियाणा सभी प्रकार से अनुकूल था, पानी यहाँ, खेती बहुत अच्छी, सब प्रकार के मेहनत करने वाले पुरुषार्थी पराक्रमी लोग हैं, लेकिन बेईमानी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आधार पर इस हरियाणा का विकास रोका गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब से भाजपा ही है विकास का नया कीर्तिमान बना रही है, इस बात के लिए जोरदार ताली बजा के माननीय मोदी जी का अभिनंदन करें। क्या सीमा के जवान और खेत में काम करने वाला किसान सबको समान निगाह से देखने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। किसान सम्मान निधि देकर के पहली बार सम्मान करने का किसानों का अगर काम किसी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज जिनके बीच में बैठा हूं ये भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के बीच में पहली बार दिल्ली के अंदर सरकार के माध्यम से मैं राव इंद्रजीत सिंह जी का फोटो देख रहा हूं, जोरदार ताली बजाओ, उनको भी शुभकामना देता हूं। राव इंद्रजीत के पीछे भूपेंद्र यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, नित्यानंद राय जी, अन्नपूर्णा देवी जी, सारे लोग इस प्रकार से सबका साथ सबका विकास जो लोकतंत्र की जरूरत है, सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास एक साथ रखते हुए सारे समाजों के लोगों को लेके चलने के लिए अगर किसी ने मौका दिया तो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अभिनंदन करें हमारे नेता हमारे नेतृत्व का। और आज जो चुनाव की दिशा में आओ आपके बीच में मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्य में इसकी आबादी भी 8-9 करोड़ से ऊपर है, लेकिन मुझे गर्व है एक बार नहीं दो बार अपने लोगों को मौका दिया है वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये हमें इस बात का गर्व है। पहले बाबूलाल जी को और फिर मुझे मौका दिया, ये मौका एकमात्र कारण दिया, ये पार्टी सबको लेके चलती है, इसलिए नायब सिंह सैनी जी के लिए जोरदार ताली बजा, क्या हमारे नेता है नायब सिंह सैनी, भजनलाल शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव, सारे के सारे लोग कहां कहां से निकाल के लाए, जहां से भी काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के बलबूते पर हमारे परिवार में तो कोई विधायक नहीं था, कोई सांसद नहीं था, कोई परिवार में ऐसा कोई आश्रय अभी नहीं था, लेकिन ये पार्टी उस बात का ध्यान रखती है कि लोकतंत्र में किसान, गरीब, महिला, युवा सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसी बात के लिए तो चंद्रशेखर आजाद से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक सबने अपने प्राण की आहुतियां दी है। दुर्भाग्य से एक परिवार ने दिल्ली में कुर्सी पकड़ ली, चार पीढ़ी और वो हमारे उज्जवल धवल चरित्र के नेता नरेंद्र मोदी जी, उनको भी गंदा बोलते हैं, किसको किसको छोड़ा उनने, क्यों? क्योंकि उनके मामले में उनने मान लिया कि राजा महाराजा चले गए, लेकिन गांधी खानदान का ठेका हो गया, उन्हें बाहर कोई कैसे प्रधानमंत्री बन सकता, क्या उनके ठेका होना चाहिए? कोई ठेका नहीं होना चाहिए। जनतंत्र के अंदर यहाँ बैठे ये लोग भी और वहां बैठे वहां कोई आखिर में बैठा व्यक्ति वो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है, ये बात अगर कहने वाला कोई पार्टी है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, हमें इस बात का गर्व है। और आप तो संयोग से
चुनाव की बेला में आपके जो प्रत्याशी यहाँ से बन के आए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, बात तो बहुत लंबी कर सकता था, लेकिन आज आपको यही जाके बात खत्म कर रहा हूँ कि आज आपने मुझे खिला करके मेरा खून बढ़ाया है। आप सबको मध्य प्रदेश का निमंत्रण दे रहा हूँ, आप प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश में आइए, यहाँ भी काम धंधा करिए, वहां भी करिए, वहां महाकाल सहित सभी देवी देवता के दर्शन करिए। हम सब मिल करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर जगह भारत की सेवा करना चाहते हैं। एक दूसरे से मिलजुल करके साथ में रह करके भारत के मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, और तो और हरियाणा लोग तो और समझदार है। जिसकी दिल्ली में सरकार होती है, अगर हरियाणा में उसकी सरकार हो तो ढाई रिश्तेदारी होती है, या अच्छे को जानता है तो हरियाणा वाले जानते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में फिर एक बार हरियाणा सरकार बनाएगा भारतीय पार्टी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। इस प्रदेश की बेहतरी के लिए जितने काम है वो सारे काम होंगे, और संयोग से आपके प्रत्याशी का नाम भी बहुत बढ़िया है। इतना बढ़िया नाम कपूर, कपूर कहाँ काम आता है, कहाँ काम आता है बताओ। भगवान की आरती करने ने इतना पवित्र नाम जोरदार तैयार अपने कपूर वाल्मीकि के लिए। अरे वाल्मीकि जी नहीं होते तो रामायण शायद भगवान की दया से वाल्मीकि का कितना बड़ा योगदान है। वाल्मीकि भगवान राम के पूरे चरित्र को सबके बीच में लाने का प्रयास पहले पहले किसी ने किया तो भगवान वाल्मीकि ने किया, महर्षि वाल्मीकि ने किया, बाद में तुलसा जी ने और बढ़ाया। ऐसे ही हमारे बीच सबको लेके चलने वाले अपने हसमुख चरित्र के नए व्यक्ति जुड़ा ताली बजाओ कर्पूर बनने के लिए। तो मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, और अगली बार हम चुनाव जीतने के आप फिर आएंगे, यही मिठाई खाएंगे, खिलाएंगे और आनंद आएंगे। बोलो आप सब तैयार है, मुझे तैयार है। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर जाली में अंदर बैठे वो भी दिखाओ मेरे को, तो जहां से भी दिखाई दे रहे हैं दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके बोलिए माता जी पार्टी जिंदाबाद, भारत जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।